तो हाय गाइस, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जून चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया था, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, चैनल पर नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। पिक्सार को ओपन कर लूँ और बैकग्राउंड को भी ऐड कर लूँ गाइस। तो गाइस, हम सबसे पहले जाएंगे टूल्स में एंड यहाँ से टूल्स में चले जाता हूँ एंड यहाँ से रिसाइज। तो गाइस, मेरे ख्याल से इसकी रिसाइज तो ठीक है एंड यहाँ से इसको डन कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा ड्रॉ टूल में, तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ और गाइस यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मॉडल को ऐड करने से पहले हम अपने बैकग्राउंड को कुछ इतना रख लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से ऐड फोटो में क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फोटो में और अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फोटो में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, ये जो हमारा मॉडल गाइस ऐड हो चुका है। तो गाइस, मैंने मॉडल के फेस और हेयर और बैकग्राउंड को पहले से ही इरेज करके रखा हुआ है। तो इन तीनों वीडियो के लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप लोग वहां से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, यहां से इसको मैं डन कर लेता हूं, ठीक है। एंड गाइस, अपने मॉडल को मैं कुछ इतना रख लूँगा, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मतलब मॉडल के बैकग्राउंड मतलब किनार किनार में मैंने शैडो पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो क्रिएट मतलब शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो शैडो क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड इस थ्रीडर पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक एम्प्टी लेयर ले लूँगा एंड इस लेयर को गाइस मैं नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इतना नीचे लेकर आता हूँ एंड गाइस हमें क्लिक करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको डन कर लूँगा, ठीक है। एंड हमें क्लिक करना होगा इस वाले लेयर में, उसके बाद हमें क्लिक करना होगा इसमें, यहाँ से मैं कर लेता हूँ एंड इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। और गाइस, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्लिक करना होगा इस थ्री डॉट में और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है और इस तरीके से हमें ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, हमारा शैडो क्रिएट हो चुका है। तो गाइस, मैंने पहले से ही शैडो को क्रिएट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस ब्लैक लेयर को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक एम्प्टी लेयर लूँगा, ठीक है। यहाँ से एम्प्टी लेयर एंड गाइस हम अपने पीएनजी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐड पर हम क्लिक करता हूँ और अपने पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, ये रहा हमारा पीएनजी, ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने डन कर लिया और इसको भी मैं कुछ उसी तरीके से एडजस्ट कर लूँगा गाइस, ठीक है। कुछ इतना एंड यहाँ से मैं कुछ इतना एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस इसको मैं, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा पिक हो गया एडिट और एडिट होने में कितना ऑसम दिख रहा है गाइस। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए गाइस हमें जाना होगा इस थ्री डॉट पर, यहाँ से मैं चले जाता हूँ एंड गाइस यहाँ पर लिखा सेव इमेज, तो सेव इमेज कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने लाइट रूम को ओपन कर लूँगा, चलिए ऑल पर उसको क्लिक कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ से मैं अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ से हमारा मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा इस लाइट वाला टूल में, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस करेंगे, ठीक है। एंड हाईलाइट को माइनस करेंगे, तो कुछ इतना माइनस कर लेता हूँ एंड शैडो को प्लस एंड वाइट्स को भी प्लस करूँ कुछ इतना एंड ब्लैक को माइनस, ठीक है। एंड गाइस, हमें जाना होगा कलर वाला टूल में एंड इसमें सैचुरेशन को प्लस एंड वाइब्रेंस को माइनस करेंगे कुछ इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा मिक्स टूल एंड इसमें हमें लिमनेस को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड सैचुरेशन को भी एन ए को माइनस कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस, हमें जाना होगा दूसरे कलर में एंड इसमें हमें सैचुरेशन को माइनस कर लेना है कुछ इतना एंड लिमनेस को प्लस कर लेना है, ठीक है, कुछ इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा ग्रीन कलर में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड इसमें हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड हेयर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है कुछ इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा येलो कलर में एंड इसमें भी हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद कैसे हमें जाना होगा एक्वा कलर में एंड इसमें भी हमें बढ़ा लेना है सैचुरेशन को फुल एंड ह्यू को भी फुल बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड ये हमें जाना होगा ब्लू कलर में एंड इसमें हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना है मतलब प्लस कर लेना है कुछ इतना एंड लिमिट्स को भी एंड ह्यू को मैं देख लेता हूँ इस, तो ह्यू को मैं प्लस कर लूँगा, ठीक है, कुछ इतना। एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा कुछ इतना, ठीक है। एंड ये समझाना होगा इस कलर में एंड इसमें हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना है एंड लिमिट्स को भी कुछ इतना,
तो गाइस लिमिट्स मैं माइनस कर लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा इतना माइनस कर लेता हूँ। एंड ह्यू को भी बढ़ा लूँगा थोड़ा सा, एंड इसे मैं जाऊँगा इस कलर में लास्ट में। एंड इसमें हमें सैचुरेशन को कुछ इतना बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लूँगा। उसके बाद जैसे मैं जाना होगा इफेक्ट वाला टूल में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ एंड क्लियरिटी को प्लस कर लेंगे, ठीक है। एंड एज को भी एंड टेक्सचर को भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। एंड यूनिट को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ कुछ इतना। यहाँ पर लिखा है सुरेश एडिटिंग जून गाइस। इस टेक्स पिंज को मैंने मतलब पिक्सार में लगाना भूल गया था, तो इसमें मैंने लगा लिया पहले से। तो गाइस उसके बाद गाइस समझ आना होगा इस ट्राइंगल वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड शार्पनिंग को बढ़ाएंगे, मास्किंग एंड सिलेक्शन, एंड यहाँ से इसको डन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा पिक होगा एडिट, और एडिट होने के बाद कितना ऑसम दिख रहा है। तो गाइस इस पिक को सेव करने के लिए गाइस समझ आना होगा शेयर बटन में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड यहाँ पर लिखा है सेव टू डेस्क, तो सेव टू डेस्क कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।